मूविंग ऑन, आज दो खिलाड़ियों के डेब्यू है. आई वॉज रियली एक्साइटेड अब्बास आफरीदी के डेब्यू का, क्योंकि हम बहुत टाइम से एंटिसिपेट कर रहे थे कि इनको आना है टीम में, और परफॉर्मेंस भी क्योंकि स्लोअर वन बड़ी कमाल की है. आपसे ये जानना चाहूंगा, एक अब्बास आफरीदी के लिए भी बताइएगा, दूसरा उसामा मीर अब तक वो इम्प्रेस नहीं कर पाए. उनको देख के, उनकी बॉलिंग को देख के ये फीलिंग नहीं आती कि कभी ये सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्पिनर्स के लिए जाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और किसी भी फॉर्मेट में अच्छा स्पिनर्स वो है आपको मैच जिता सकता है. उसके लिए जाहिर है कि हमें एक तो फील्ड प्लान अच्छा होना चाहिए, दूसरे बॉलर्स का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे हम उस्मान कादिर को देखते रहे, उनको इतनी देर क्रिकेट खिलाते रहे, उनका कंट्रोल ही अच्छा नहीं था. टर्न करते थे, गुगली भी अच्छी, मगर जब स्पिनर्स का कंट्रोल ही नहीं है तो स्पिनर्स के लिए तो पहली शर्त होती है कंट्रोल. बिल्कुल. तो उसामा मीर का भी यही है कि अगर वो कंट्रोल से बॉल नहीं करेंगे, अगर हर ओवर में दो बॉल खराब करेंगे, तो वो तो फिर बॉलर नहीं हुआ ना इस लेवल के, जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं. तो ये एक बड़ा मसला है हमारा. वैरायटी हमारे पास होती है मगर कंट्रोल नहीं होता. तो जब कंट्रोल नहीं होगा तो बैट बॉल दो कर देंगे, तो इस लेवल पे जाके आपको अच्छी बॉल पे भी मार पड़ती है, तो बैट बॉल पे तो कोई बच्चे ही नहीं है. तो एक तो ये चीज है कि उनके कंट्रोल का मसला है, उसकी रीजन देखना पड़ता है. जैसे अगर आप उस्मान कादिर का, तो मैंने एक चीज नोट की थी कि वो उनकी हाइट वाइट सही थी, तो उनकी जो डिलीवरी स्ट्राइक थी वो शॉर्ट थी. तो आपका जो स्टेप, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है व्हेन यू रिलीज द बॉल, आपकी बेस बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. इस वजह से उनका कंट्रोल अच्छा नहीं होता था. हालांकि गुगली अच्छी करते थे, टर्न भी था, मगर वो किसी ने किया नहीं. इसी तरह अगर मैं एक चीज नोट करता हूँ हारिस रऊफ की, कि वो और भी ज्यादा तेज बॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो जो पॉपिंग क्रीज उससे एक फुट पीछे से बॉल कर रहा था अक्सर और बेशतर, तो वो पेस पे फर्क पड़ता है. ये माइनर सी चीज है, इसको देखना चाहिए. या हमारे जो क्या जो अभी अनफिट है बॉलर नसीम शाह, वो और अच्छा बॉल स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका जब वो रिलीज करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका एक्शन आउट स्विंग का है, उनका जो बॉलिंग आम है वो उनकी बॉडी में फिनिश होता है. अगर वो साइड पे फिनिश हो तो उनका मूवमेंट और बढ़ जाए. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें बॉलर्स को टाइमली समझ के आगे बढ़ना होता है. तो जो स्पिनर्स का है, मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स को सबसे पहले कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, बाकी बाद में वैरायटी. तो ये चीज हमें, आपने देखा होगा बैट बॉल की है ना, बिल्कुल बैट बॉल तो नहीं, आपको तो अच्छी बॉल पर जब मार पड़ सकती है तो बैट बॉल की तो गुंजाइश ही नहीं है. और जहां तक अब्बास आफरीदी का रहा है, तो उन्होंने तो कुछ प्रूफ किया है यहाँ के, आज तीन विकेट भी लिए. तो अब ये काम है टीम मैनेजमेंट का कि ये एस्टेब्लिश करें कि क्या ये इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं है. ये चीज इंपॉर्टेंट होती है. हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में लेते हैं. तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में खाली परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, एक और एलिमेंट होता है जिसे इंटरनेशनल मटेरियल कहते हैं. वो भी एक आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि ये वहां जाके परफॉर्म कर सकेगा या नहीं करेगा. साहिब अयूब की हम मिसाल ले लेते हैं. आगे साहिब अयूब, हमने ऐसे बहुत से टैलेंट आइडेंटिफाई किए. साहिब अयूब जब 15 का था तो हम उसे इंडिया लेके गए थे, टैलेंट था, आइडेंटिफाई किया. आज ये आपके शान मसूद है, हमारे साथ अंडर 15 में वहां गए. तो ये अर्ली एज में आइडेंटिफाई कर लेना है, तो फिर उसके बाद आपके डेवलपमेंट प्रोसेस आ जाता है.